यूएसबी केबल्स ने हमें कितना परेशान करा है, मतलब कभी वो टैंगल अप हो जाती हैं, कभी उनसे चार्जिंग नहीं होती, कभी वो लेंथ में छोटी रह जाती हैं, तो कभी उनके अंदर डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड्स इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं। लेकिन गाइज अब मैं कहना चाहूँगा कि बस अब यूएसबी केबल्स का प्रकोप शांत यहीं रुक गया है। तो मेरे पास एक ऐसी यूएसबी केबल है जो उनसे काफी अलग है, मैंने अभी ऑर्डर करा है, तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर सारे टेस्ट करके कि कैसी यूएसबी केबल है, क्या ये उन सभी टेस्ट पे खरी उतरती है, स्ट्रेंथ टेस्ट, ट्रांसफर स्पीड टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट और बेंडिंग टेस्ट, इनके बेसिस पे हम इसे जज करेंगे कैसी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस पैकेट की अनबॉक्सिंग से। ये मैंने अली एक्सप्रेस यानी कि चाइना से मंगाया है और इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नीचे। Pre-read man, this is pre-read, oh my god. This is so awesome. फांसी का फंदा बनने के लिए अच्छी चीज है यार, अच्छी खासी लेंथ है इसकी तो। I like the strength. मतलब मैं जितना जोर लगा के खींच सकता हूँ उतना खींच रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा इसे भाई, मतलब वर्थ इट। बेंडिंग टेस्ट, कहीं पता लगे चल ही ना ये। टिंग 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 टिंग, होल्ड्स अप प्रीटी वेल। इसके अंदर जो जॉइंट है ये जहाँ पर आपकी केबल आपके कनेक्टर से जॉइंट होती है वहाँ पर इन्होंने कुछ भी फ्लेक्सिंग के लिए कुछ दे नहीं रखा, इसलिए आई थिंक कि ना जो चीज़ सबसे पहले टूटेगी इस केबल के अंदर वो यहीं से एक जॉइंट होगा, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। हो सकता है कि लॉन्गर रन में आप इसको बार बार बेंड करने से इस पॉइंट से टूट जाए, तो आई थिंक ये इसका नेगेटिव पॉइंट है कम्प्लीटली। और अगर ऐसा नहीं होगा या फिर अगर ऐसा होगा भी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ टाइम के यूसेज के बाद। अच्छा, ब्रांड नेम जो है इसका कोई ऐसा खास नहीं है, आप देख रहे हो TOPK, आई गेस ये कोई चाइनीज ब्रांड होगा जो कि कोई बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी। सो पैकेजिंग भी क्या लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं, बस कुछ चाइनीज में कुछ चीजें लिखी हुई है इसके अंदर और मेड इन चाइना कम्प्लीटली। डीलक्स कनेक्टर, ऑक्स केबल, अच्छा और ऑक्स केबल, आई मीन ये ऑक्स केबल नहीं है, यूएसबी माइक्रो यूएसबी केबल है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी टेस्टिंग से। अब हम स्ट्रेंथ चेक तो इसका कर चुके हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट है ये, अगर आप चाहें तो मैं कुछ आपको इससे लटका के दिखा सकता हूँ। क्या लटका के दिखा, ये बोतल काफी रहेगी, इसको बांधते हैं इसके ऊपर, इसे बांध देते हैं और स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। ये हमने इस बोतल को बांध लिया, लटकाते हैं इसे। Pretty nice. और ये बोतल पूरी पानी से भरी हुई है अभी, ठीक है, आवाज से सुन पा रहे हो, और वाह मतलब आधा किलो वेट तो पानी का है इसके अंदर और कुछ वेट बोतल का, क्योंकि मेटल की बोतल है थर्मोस फ्लास्क, तो अच्छे खासा होल्ड अप कर रही है देखिए, मतलब स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी चार्जिंग स्पीड्स क्या है। तो सारे टेस्ट करने के बाद फाइनली मेरे हाथ में ये केबल आ चुकी है और आई थिंक यार ये इतनी ऑसम केबल है कि इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, इट्स जस्ट अमेजिंग। तो क्या मैं आपको खरीदना रिकमेंड करूंगा, मैं इसे श्योरली आपको खरीदना रिकमेंड करूंगा क्योंकि यार इतनी अमेजिंग केबल है और इसके अंदर स्ट्रेंथ चेक करा हमने, इसकी स्पीड चेक करा, इसके अंदर हमने इवन डेटा ट्रांसफर स्पीड के अलावा चार्जिंग स्पीड भी चेक करी और सभी टेस्ट पे केबल खरी उतरी है। तो इसको खरीदने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे और इसके अलग अलग लेंथ आप ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने ये 3 मीटर की लेंथ ऑर्डर करी है, अगर आप चाहें तो और कोई भी लेंथ ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस रिव्यू के लिए बस अब इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नए रिव्यू के साथ।